महिमा महिमा इस सुबह हर जगह तेरी महिमा महिमा इस सुबह। शालोम डोमिनेंट सोच में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और पद 30 में ऐसा लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। जब हम इंक्रीजिंग कैपेसिटी के विषय में बात करते हैं, हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा बढ़ना और नहीं बढ़ना परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है, यह हमारी उन जिम्मेदारियों पर निर्भर है जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको सौंपी है। और अधिकतर समय जो दर्द हम झेलते हैं, चाहे वो हमारे संबंध में हो, चाहे हमारे धन में हो, वो दर्द अधिकतर समय हमारे कैपेसिटी न होने के कारण हमारे जीवन में आती है, या जो योग्यता हमारे पास में है उस योग्यता का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करने के कारण हमारे जीवन में प्रकट होती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इस दास के पास में कैपेसिटी होने के बावजूद भी ये दास ने अपने तोड़े का सही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसको एक तोड़े मिले थे जिसका इस्तेमाल उसने उसको एक बढ़ाने में भी नहीं किया। आज आप में से बहुत सारे लोगों के पास में कम है, लेकिन आपने सोचा आपके पास में कम है इसीलिए आप उसको गुना नहीं करेंगे या उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और यहीं पर आपकी तकलीफें शुरू होती हैं। आप में से अधिकतर लोग जो अपने दर्द में चिल्ला रहे हैं या दांत पीस रहे हैं और या आशा कर रहे हैं कि आपको कोई बचाने आएगा, आप नहीं जानते हैं कि ये दर्द केवल आपके उस योग्यता का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करने के कारण आया। मैं आप तमाम लोगों को उत्साहित करूँगा कि जब आप योजना बना रहे हैं 2023 में बड़े बड़े काम को करने की, तो सबसे पहले उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में लेकर आए, अपने नज़र में रखें कि कैसे आपने उन योग्यताओं को जो परमेश्वर ने आपको दिया था, कैसे अपने योग्यता को बढ़ाते हुए आपने मैनेजमेंट किया है चीज़ों का जो परमेश्वर ने आपको दिया था। क्योंकि अगर आपका दांत पीसना होगा, अगर आपका रोना होगा, तो ये केवल इसीलिए क्योंकि आपने अपने योग्यता के अनुसार कार्य नहीं किया। हम अधिकतर समय शैतान को दोष लगाते हैं, अपने परिवार को, अपनी किस्मत पर दोष लगाते हैं, लेकिन कई बार ना आपका किस्मत, ना शैतान और ना ही आपका परिवार आपके विरोध में जा रहा होता है। ये केवल आपकी वो योग्यता जिसका आपने ख्याल नहीं किया या जिसको आपने अच्छे से प्रयोग नहीं किया, ये आपके विरोध में। अब इसको सुधार कैसे सकते हैं? बस अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के द्वारा, क्योंकि जितना आपका कैपेसिटी है आपको अपने जीवन में उतने ही मिलेंगे। जितना आपकी क्षमता है, जितनी आपकी योग्यता है आपके पास में, उतने ही आपके जीवन में आने वाली हैं। तो अगली बार जब आप रोते हैं या आप घटी कमी से गुजरते हैं, तो अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने पड़ोसी, अपनी किस्मत को कोसने के बजाय उन बातों की ओर ध्यान दें जिन बातों को परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया था, उस चीज़ों से आपने क्या किया। सवाल ये है, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप इनके आत्मा प्राण शरीर में प्रभु अपने सत्यता को प्रकट करें, ताकि प्रभु आपका सत्य इनके जीवन का हिस्सा बन जाए और गरीबी, अशांति और प्रभु उलझन से ये दूर होकर प्रभु आपको ग्रहण कर सकें और आपके सच्चाई को ग्रहण कर सकें। फादर गॉड, आई जस्ट ब्लेस ईच एंड एवरी व्यूअर्स हु इज लिसनिंग दिस मैसेज। लेट दिस मैसेज ब्रिंग हीलिंग एंड कंफर्ट टू ऑल फैमिली एंड इंडिविजुअल हु इज लिसनिंग दिस मैसेज राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन। मेरा परमेश्वर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे। ब्लेस। तेरी महिमा महिमा इस सुबह।